अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। मसालों में रेड चिलीज है, इसके अलावा कोरमा मसाला है और सॉल्ट है, ये 2 tablespoon है। और ये योगर्ट है, ये तकरीबन 1 cup है। और इसके अलावा 3 medium size के इसमें ऑनियंस हैं जो स्लाइस किए हुए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। बस सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतना स्पेशल मैंने कुछ डाला नहीं है, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी देखिएगा, सादी सी चीज़ें हैं, कोई ज़ीरा या फिर इलायची लहसुन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल ही चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो कोरमा मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये है कि फ्लेवर आ जाएगा तो अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाने वाला है। और कोई गेस्ट आए हैं तो आप फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ब्राउन हो गया प्याज, ये निकाल लें। अब इस स्टेज पर आप प्याज को जब किसी चीज़ पर डालते हैं, यानी कि पेपर टॉवल पर डाल दें या फिर कोई आपके पास जो भी चीज़ है उस पर डाल के आप इसे इसका ऑयल ड्राई करते हैं, तो उसके बाद आप इसे कूट भी सकते हैं। क्योंकि मैंने दही के लिए इसी में पेस्ट सा बना लिया, थोड़ी सी फिर सहूलत के लिए। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको प्याज को जौन सा वो आप इसको कूट भी सकते हैं और दही को अलग से डालकर इस पर भून लें और ऊपर से डाल दें, जैसे आपको बेहतर लगे। मुझे ये थोड़ा सा ईजी वे लगा है, थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम की कमी थी और इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी कर लूँ। ये मैंने 5-6 दफ़ा इस तरह भी बनाया हुआ है और बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, ये सारा कमाल जो होता है वो यही होता है कि आपने चीज़ को अच्छी तरह से भूनना है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए उसके और बबलिंग्स अच्छी स्टार्ट हो जाए, तो उससे पता चलेगा कि आपका खाना अच्छा तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, अब मैंने चीज़ें तकरीबन सारी ही इसमें डाल दी हैं। अब मैंने इसको फ्राई करना है और ये देखिए अभी आप देख रहे होंगे अभी इसका कलर भी कुछ और है और इतने ऑयल भी नहीं इसके ऊपर आया। तो जैसे ये अच्छा भुन जाएगा तो इसमें चेंजिंग वाजह तौर पर नज़र आएगी। तो बस ये हो रहा है और 1-2 मिनट में हो जाएगा। आप ये देखें कैसे हुआ ये चेंज, इसके कलर भी चेंज हुआ, ये अच्छा फ्राई हो गया है, काफ़ी मैंने इसे भून लिया है, इसमें ऑयल भी ऊपर नज़र आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया और अब स्टेज पे ये रेडी है। बस अब चिकन को गलाना है, इसमें पानी आप अपनी मर्ज़ी से डालना है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, मैं बस नॉर्मल डाल रही हूँ जिसमें मेरा चिकन गल जाए और थोड़ा बहुत इसकी ग्रेवी भी बन जाए, जो कि नान के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा है और जल्दी बन जाने वाला है, इतना टाइम लगता नहीं है। चिकन तो आपको पता है चिकन की डिशेस सभी बहुत जल्दी बन जाती हैं और आप डिफरेंट वैरायटी घर में बना सकते हैं गेस्ट आए तो। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।